दोस्तों आज 25 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मनसुख मांडविया। तो आरोग्य मंथन 3.0 टू मार्क द 3rd एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत के 3rd एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, और इसकी थीम है, याद रखिएगा, सर्विस एंड एक्सेलेंस। तो ए बी PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो झारखंड की कैपिटल रांची से, ठीक है। और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और इस स्कीम के तहत पुअर फैमिली को 5 लाख का हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी 59th। तो 3rd एडिशन ऑफ द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, और इसको कंडक्ट किया है सर्फ सार्क, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। तो इंडिया की रैंक है इसमें 59 out of 110 कंट्रीज़, और लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 57, ठीक है। तो इसमें ग्लोबल टॉप किया है डेनमार्क, जो कि फर्स्ट पोजीशन में है, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया, एंड तीसरे नंबर पे है फिनलैंड, ठीक है। तो ये 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और इसमें भारत की रैंक को हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, और इसमें भारत की रैंक है 140, और इसमें टॉप किया था आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 139 इंडिया की रैंक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंक 14 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 142 है, और टॉप किया था नॉर्वे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ करता है, और इसकी रैंक है, मतलब इंडिया की रैंक है 87। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसको मतलब रिलीज़ किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसमें इंडिया की रैंक है 49। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 49। वहीं पे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 43। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 135, और टॉप किया था आइसलैंड, ठीक है। वहीं पे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक है 5, और इसको रिलीज़ किया था अंकटेड ने, और यूएसए टॉप किया था इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए तीस्ता वी पावर स्टेशन को। तो रिसेंटली NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के तीस्ता वी हाइड्रो पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम के तीस्ता रिवर में आपको तीस्ता वी हाइड्रो पावर स्टेशन मिल जाएगा, और इस अवार्ड को दिया गया है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा, जो कि लंदन में स्थित है। तो NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। हाल ही में 2021 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द हाइएस्ट पेड फुटबॉलर इन 2021? तो इसका ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाइएस्ट पेड फुटबॉलर 2021, और इस लिस्ट में टॉप किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और वहीं पे दूसरे नंबर पे है मेसी, जबकि मेसी 2020 में टॉप किया था, और तीसरे नंबर पे है नेमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को कौन लॉन्च करेंगे? तो इसका ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि PMDHM, इसको लॉन्च किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को, ठीक है। और इस स्कीम के तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हेल्थ रिकॉर्ड शामिल होंगे, और इस हेल्थ रिकॉर्ड में जैसे कि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट या फिर मेडिकेशन शामिल होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मतलब लॉन्च किया गया था इससे पहले एक पायलट बेसिस पे, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो 6 यूनियन टेरेटरीज़ में। तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन द्वीप, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। वहीं पे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि NHDM का नाम बदलकर PMDHM यानी कि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत किस देश से एयरबस C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे? तो इसका ऑप्शन ए स्पेन से, ठीक है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
और इसके प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। मतलब इन्होंने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर 56 एयरबस C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो भारत मतलब 56 एयरक्राफ्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट है 2.5 बिलियन का, ठीक है। अच्छा, ये सारे 56 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के एवरो HS-748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस आउट ऑफ 56 एयरक्राफ्ट में 16 एयरक्राफ्ट ये स्पेन डायरेक्ट डिलीवर करेंगे इंडिया को, और वहीं पे 40 एयरक्राफ्ट इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि TASL के द्वारा, ठीक है। तो स्पेन आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है मैड्रिड। अच्छा, स्पेन यहाँ पे है, यहाँ पे मोरक्को, इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि भूमध्य सागर को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में दुनिया का हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, और ये कहाँ पे किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है शिमला, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, और मतलब CM है यहाँ के जयराम ठाकुर, ठीक है। और आयुष घर द्वार प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था, पर्वत धारा स्कीम फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो इसको भी लॉन्च किया गया था कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, गंगा हिमालय की वैली से निकलकर सिम्बा के किले में गिरी, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड है गंगा हिमालय वैली सिम्बा एंड किले, ठीक है। तो यहाँ से गंगा से हो जाएंगे खीर गंगा नेशनल पार्क, हिमालय से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अच्छा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। वैसे वैली से हो जाएंगे पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बा से हो जाएंगे सिम्बल बारा नेशनल पार्क, एंड किला से इंद्र किला नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, MBT यानी कि मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A निम्नलिखित में से किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी, HVF यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 118 इंडिजिनस अर्जुन MK-1A मेन बैटल टैंक्स यानी कि MBT को ऑर्डर दिया है फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉस्ट पड़ेंगे 7523 करोड़, ठीक है। और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा HVF के द्वारा यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री, और ये कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई के अवाड़ी में, ठीक है। और इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRDE, और ये एक लैब है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और ये कहाँ पे स्थित है? मतलब ये CVRDE ये चेन्नई के अवाड़ी में स्थित है। अच्छा, DRDO की बात करते हैं, तो इसके भी प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BPCL ने कॉन्टेक्टलेस रुपये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका ऑप्शन ए, SBI के साथ। तो BPCL SBI कार्ड को ब्रांडेड रुपये कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड, इसको लॉन्च किया जाएगा SBI एंड BPCL के द्वारा। तो SBI की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये कब बना था? तो 1955 में, और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, ठीक है। BPCL इसकी फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो रुपये कार्ड के बारे में जान लेते हैं, तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम है, और इसको लॉन्च किया गया था NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनिरुद्ध तिवारी को हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए, पंजाब के, ठीक है। तो 1990 बैच IAS ऑफिसर को रिसेंटली मतलब अनिरुद्ध तिवारी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, न्यू CM बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है। वहीं पे हर घर पानी हर घर सफाई मिशन इसको लॉन्च किया गया था पंजाब में, और इसका मिशन मतलब इस मिशन का एम है 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई करना, ठीक है। वहीं पे डीजी नेस्ट ऐप को लॉन्च किया गया था पंजाब में, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब में, और यहाँ पे ब्लैक बक पाए जाते हैं। अगर पंजाब की फोक डांस की बात करते हैं तो यहाँ पे भांगड़ा,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2019 एंड 20 कितने लोगों को दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 42। तो नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड फॉर 2019 एंड 20 और इसको दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा इसको प्रदान किया गया है, जो कि राष्ट्रपति भवन में इसका मतलब इस प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। और इस अवार्ड को हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा दिया जाता है और इसके 3 कैटेगरीज में दिया जाता है इस अवार्ड को, यूनिवर्सिटी या फिर प्लस टू काउंसिल, NSS यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम एंड उसके प्रोग्राम ऑफिसर्स को एंड NSS वॉलेंटियर्स को, ठीक है। तो नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि NSS ये एक सेंट्रल स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 1969 में और इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट यूथ। अगला क्वेश्चन है, 2023 के लिए किस शहर को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023? तो इसका ऑप्शन डी अकरा। तो अकरा को रिसेंटली नामित किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023। तो घाना आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा और इसी की कैपिटल है अकरा, ठीक है।